लीना 27 साल की है, जयपुर की रहने वाली है। वो अपने बैकने से बेहद परेशान है। अब ये बैकने क्या होता है? बैकने यानी बैक एक्ने, पीठ पर होने वाला एक्ने यानी दाने। आमतौर पर आपने चेहरे पर होने वाले एक्ने के बारे में तो बहुत सुना होगा, पर बैकने भी बहुत आम है। लीना बताती हैं कि उनकी पीठ पर साल भर दाने निकलते रहते हैं, पर ठंड आते ही और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। दानों को छूने में दर्द होता है, लेटते समय तो और भी ज्यादा दर्द होता है, इनसे पस भी निकलता है। अब जो दाने ठीक हो जाते हैं वो काले रंग के निशान छोड़ देते हैं। लीना को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। वो चाहती हैं कि हम बैक एक्ने पर एक एपिसोड बनाएं। ये क्यों होता है, क्या ऐसी गलतियां हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, इनका इलाज क्या है, ये सब डॉक्टर से बात करके बताएं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बैक एक्ने क्या होता है। बैक एक्ने यानी अगर जोड़ के बोले तो बैकने एक कॉमन कंडीशन है। जैसे आपके चेहरे पे मुहासे, एक्ने या पिंपल्स होते हैं, ऐसे ही सेकंड कॉमन एरिया होता है हमारे शोल्डर्स और बैक। देखने में ये बिल्कुल एक्ने जैसे ही लगते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, कभी कभी अगर आप टच करें तो इसमें थोड़ा दर्द भी होता है। थोड़े पस वाले जो होते हैं उसे अगर आप स्क्वीज करें तो उसमें थोड़ा सा पस या ब्लड भी आता है। लेकिन ओवरऑल ये एक मिक्स स्पेक्ट्रम होता है जिसमें आपको व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, छोटे एक्ने, कुछ पेनफुल वाले, ये मिक्स होते हैं। और कुछ जब सेटल हो जाते हैं तो वो छोटे छोटे काले काले मार्क्स या धब्बे भी स्किन पे छोड़ देते हैं। तो ये है बैक एक्ने। बैक एक्ने के कारण फेस एक्ने से सिमिलर ही होते हैं। लेकिन अगर आप हमारी बैक देखें तो जब आपको पसीना आता है या जब आप लेटे हैं तो हमारी बैक में फ्रिक्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द फेस। जिन लोगों की बैक हेयरी है उनको हेयर का फ्रिक्शन, या अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, आप बहुत ज्यादा स्वेटिंग कर रहे हैं तो वो एक कारण होता है, या जब आप कोई एक्सरसाइजेस करें जिसमें आपके बैक और क्लोथ्स पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा है तो उससे भी बाल खिंचते हैं और एक्ने एग्रेवेट होते हैं। लेकिन बेसिकली एक्ने जो है आपके शोल्डर पे हो, चेस्ट पे हो, बैक पे हो या फेस पे हो, उसमें एक हार्मोनल एंगल जरूर होता है। तो ये होते हैं हार्मोनल। इसके बाद अभी हार्मोन्स की वजह से हमारी स्किन में जब डेड स्किन बनती है वो पसीने और आपके जो ऑयल सिक्रीशन है उसके साथ मिक्स होके हमारे ऑयल फ्लक्स को ब्लॉक कर देती है और वो होती है शुरुआत एक्ने बनने। सबसे पहली गलती है बालों में तेल लगाना। अब आप सोचेंगे कि कनेक्शन क्या है। ये जो तेल आप बालों में लगाते हैं वो बालों के थ्रू अक्सर हमारी कमर पे आ जाता है और इससे शुरुआत होती है एक्ने की, बिकॉज जैसे मैंने बताया हमारे पोर्स क्लोज हो जाते हैं। ये है पहला कारण। दूसरा होता है कि जब आपको पसीना आता है तो उससे आप हवा में ड्राई नहीं करें, उस वक्त आपको उसको एक्सफोलिएट करना है या पानी से, या तो आपको शावर लेना है, सो दैट जो भी स्वेट है वो आपके स्किन के पोर्स में जाके नहीं बैठे। तीसरा है बहुत ज्यादा टाइट क्लोथ्स पहनना, स्पेशली जब आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या कोई एथलेटिक एक्टिविटी कर रहे हैं, उस वक्त आपको या तो नीचे एक कॉटन इनर क्लोथ पहनने के ऊपर आपको अपने स्पोर्ट्स क्लोथ पहनने। बैक एक्ने से बचाव के लिए अगर आप रेगुलरली एक्सफोलिएट करें, क्योंकि डेड स्किन जो भी एक्यूमुलेट होगी वो निकल जाएगी। लेकिन बैक एक बहुत ही डिफिकल्ट एरिया होता है एक्सेस करने के लिए, तो अगर आप एक लॉन्ग ब्रश लेके और बैक को रेगुलरली एक्सफोलिएट करें तो इससे भी बैक एक्ने बचे जा सकते हैं। तो आपको करना है कि एक लॉन्ग ब्रश लेके एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक आपको बैक को एक्सफोलिएट करना है, या किसी की हेल्प से आप एक बैक स्क्रब भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको फेस पर एक्ने हैं तो चांसेस है कि आपको बैक पर भी एक्ने हो सकते हैं, बिकॉज ये एक जेनेटिक टेंडेंसी भी होती है एक्ने प्रोन्स के। सो अगर आपको फेस में एक्ने हो रहे हैं तो आपको बैक को एक्सफोलिएट करना, सल्फ्यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, यूरिया या ग्लाइकोलिक एसिड कंटेनिंग बॉडी वॉश यूज कर रहे हैं, और वंस अ वीक आपको एक होममेड स्क्रब लगाने के बाद अपनी बैक की डेड स्किन को एक्सफोलिएट कर देना चाहिए। उसके अलावा जब भी आप ऑयल लगाएं, अगर आप बॉडी मसाज कर रहे हैं ऑयल से, तो आप इमीडिएटली उस ऑयल को वॉश आउट कर दें, और कोई भी ऑयली सब्सटेंस, ऑयली बॉडी मॉइस्चराइजर्स या बॉडी ऑयल्स आपको बैक पे नहीं यूज करने। और जो सबसे कॉमन मिस्टेक जो सब करते हैं वो है वैक्सिंग करना। सो आपको बैक पे वैक्सिंग टोटली अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको डेफिनेटली बैक पिंपल्स होंगे। तो क्या करें फिर अगर बाल हैं तो आप कॉमन मेथड्स लाइक शेविंग यूज कर सकते हैं। अदरवाइज एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मेरा रिकमेंडेशन हमेशा होता है कि आप लेजर थ्रेडिंग ट्राई करें।
एक्ने के इलाज के लिए आपको सबसे पहले एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, जो एक्ने की कंडीशन देखकर आपको डिसाइड करेंगे कि आपको एंटीबायोटिक्स लेनी है, विटामिन ए सब्स्टिट्यूट्स लेने हैं या आपको और एक्सफोलिएंट्स लेने हैं। लेकिन एक्ने के ट्रीटमेंट में सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक, यूरिया, एंटीबायोटिक्स, रेटिनॉइड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मोस्ट ऑफ ये मॉलिक्यूल्स या तो स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं या इसमें एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करते हैं। बैक एक्ने को ट्रीट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप उसे अभी इग्नोर करेंगे तो आपके बैक पे जो वो मार्क्स छोड़ते हैं उसे ट्रीट करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले आप घर बैठे क्या कर सकते हैं। एस्पिरिन टैबलेट तो आप सबके पास होगी, राइट, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। दो टैबलेट्स लेके उसे क्रश करके उसे रेगुलर या बिस्टेडी वाटर लीजिए, एक बॉटल में स्प्रे में डाल के आप रेगुलरली नहाने के बाद उसे बैक पे स्प्रे कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड आपको पता है डर्मेटोलॉजिस्ट सैलिसिलिक एसिड पील्स यूज करते हैं, ये भी एक सैलिसिलिक एसिड का मिक्सचर बन जाता है जो एंटी एक्ने है, बिकॉज ये जो ऑयल एक्टिविटी होती है डेड स्किन पे उसको कम करता है, जिससे वो एक्ने भी कम करता है। अब अगर एक्ने बहुत ज्यादा हो, यानी कि आपको लेट के रूप में डिस्कम्फर्ट होने लगे या पस फिल बॉइल्स है, तो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एंटीबायोटिक्स या ओरल रेटिनॉइड्स देकर वो ट्रीट करेंगे। और टॉपिकली रेटिनॉइड, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड ये नाम एक्ने ट्रीटमेंट से जुड़े हुए हैं। जिन लोगों को एक्ने है आपने ये मॉलिक्यूल्स फेस पे भी यूज किए हैं। डिफरेंस ये है कि जब हम बैक के एक्ने ट्रीट करते हैं तो हम थोड़ा स्ट्रॉन्गर कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं और इट्स इजी बिकॉज वो जो मॉलिक्यूल्स है वो एक स्प्रे बॉटल में आते हैं जिससे आप इजीली अपने बैक पे सेल्फ स्प्रे कर सकते हैं। मेरा फेवरेट है कैपिटल पील, तो हम एक ब्लैक पील करते हैं जो एसिटिक एसिड पील है फॉर बैक, जिसमें सैलिसिलिक एसिड, रिसोर्सिनोल ये सब है। तो इट टेक्स अराउंड अ वीक एक्ने कम होने के लिए, स्किन डेफिनेटली पील होती है लेकिन एक्ने कम हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फायदा है केमिकल पील का कि आपकी स्कार फॉर्मेशन भी रिड्यूस हो जाती है। अगर आप भी अपने पीठ पर एक्ने से परेशान हैं तो डॉक्टर अप्रितम की बताई गई टिप्स जरूर फॉलो करिए, असर जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही दो चीजों का ध्यान रखिए। पहली बात, इन दानों को नोचने या फिर खुजलाने से बचें, नहीं तो निशान पड़ जाएंगे। दूसरी बात, ठंड में आप वुलन्स पहनते हैं, इनकी रगड़ से एक्ने और ज्यादा बढ़ता है, इसलिए ठंड में वुलन्स के नीचे एक कॉटन का कपड़ा जरूर पहनिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। आजकल सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस करीना कपूर और अनुष्का शर्मा के कुछ पोस्ट बहुत वायरल हो रहे हैं। इन पोस्ट में वो ऑयल पुलिंग की बात कर रही हैं और इसके फायदे बता रही हैं। अब ये ऑयल पुलिंग क्या होती है? ऑयल पुलिंग आपकी ओरल हेल्थ के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, यानी आपके मुंह, दांतों और मसूड़ों की सेहत के लिए। ये कोई नया सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये बहुत पुरानी टेक्निक है। इसमें एक टेबल स्पून ऑयल लेना होता है, उसे सुबह खाली पेट मुंह में घुमाना होता है, जैसे आप कुल्ला करते हैं। 5-10 मिनट बाद आप मुंह धो सकते हैं पानी से। अब ऐसा दावा किया जाता है कि ऑयल पुलिंग आपके दांतों और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। क्या ये दावे सच हैं? क्या ये टेक्निक वाकई काम करती है? ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर मोहम्मद आमिर से। वो बताते हैं कि ऑयल पुलिंग एक प्रिवेंटिव मेजर है, यानी ये किसी बीमारी या इन्फेक्शन को होने से रोकने का काम जरूर कर सकता है, पर ये उसका इलाज नहीं है। इस टेक्निक के जरिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी होती है उसे कम किया जाता है, यानी आपके मुंह में जो बैक्टीरिया या फंगस हो सकता है उसे। बचाव का पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि बैक्टीरिया या फिर फंगस को पैदा होने से, बढ़ने से रोका जा सके। ये टेक्निक वही काम करती है। इसमें वो तेल इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे खाना बनता है, यानी एडिबल ऑयल, जैसे नारियल का तेल या फिर सरसों का तेल। इन तेलों में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं। इन बैक्टीरिया के कारण जो समस्याएं हो सकती हैं हम उनसे बच पाते हैं, जैसे मुंह से बदबू आना। मुंह से बदबू आने का कारण भी बैक्टीरिया ही होते हैं। अब ऑयल पुलिंग से इन बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, साथ ही बैक्टीरिया से होने वाली जो समस्याएं हैं उन्हें भी रोकने में मदद मिलती है, यानी कि ऑयल पुलिंग काम करती है। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए उम्र दराज लोगों की डाइट कैसी होनी चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर की न्यूट्रिशनल जरूरतों में भी बदलाव आने लगता है। शरीर की जरूरतों के मुताबिक खान पान में कुछ चीजें शामिल करनी होती है, वहीं कुछ चीजों से परहेज करने की भी जरूरत पड़ सकती है। बुजुर्गों के लिए कुछ जरूरी डाइट टिप्स जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी से। सुनीता त्रिपाठी बताती हैं कि सबसे पहले तो खाने की आदतों में थोड़ा बदलाव करें, जैसे एक साथ बहुत ज्यादा खाने के बजाय थोड़ा थोड़ा कई बार खाएं। ऐसी चीजें खाएं जो अच्छे से पकाई गई हों। खाना ऐसा हो जिसे आसानी से पचाया जा सके, जिसे आसानी से चबाया जा सके।
डाइट में तरल चीजों को जैसे पानी और ताजे फलों के जूस वगैरह को पर्याप्त मात्रा में जरूर शामिल करना चाहिए। हालांकि चाय और कॉफी ज्यादा नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इनसे नींद ना आने की समस्या हो सकती है। इस बात पर ध्यान दें कि आपको खाने की किन चीजों से गैस की तकलीफ होती है और वो चीजें अपने खाने से हटा लें। आपको बहुत ज्यादा तेल और मसाले वाली चीजों से परहेज करना चाहिए क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ पाचन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। सुनीता त्रिपाठी के मुताबिक जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी हड्डियां कैल्शियम खोने लगती हैं, इसलिए खाने में कैल्शियम से भरपूर चीजें जरूर शामिल करें जैसे दूध और दूध से बनी चीजें। कैल्शियम के लिए खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, अलसी जिसे तीसी भी कहते हैं, उसके बीज और रागी भी शामिल कर सकते हैं। तेल की बात करें तो सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल और सोयाबीन ऑयल शामिल किया जा सकता है। ये सारे तेल दिल की सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं। कुल मिलाकर आपको एक संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करनी चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी है तो अपने खान पान को लेकर के किसी डाइटिशियन या डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।